नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके से। बता दें आपको, डोंबिवली MIDC में आज एक फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हो गया और उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से विस्फोट हुआ और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं ये आग इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी लपटें लगभग 50 से 60 फीट ऊपर तक है और यहाँ पर आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो सामान है, सब कुछ जल कर खाक हो गया। यह अभिनव स्कूल के पास में घटना घटी है डोंबिवली MIDC इलाके में। MIDC इलाका पूरी तरह से कमर्शियल इलाका है, आप सबको समझ में ही आता होगा, और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेजिडेंशियल हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर का माहौल है। कुछ ही दिनों पहले कुछ इसी प्रकार की घटना और हुई थी और आज एक बार फिर से अभिनव स्कूल के पास जब MIDC इलाके में यह विस्फोट हुआ तो आसपास के इलाकों में दहशत सी फैल गई कि आखिरकार यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या गलती, आखिर प्रशासन यहाँ पर जो है सुरक्षा से जुड़े जो काम है उसे पर ध्यान क्यों नहीं देता, क्योंकि लगातार 2 घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं और 1 महीने के भीतर। तो कहीं ना कहीं जनता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुखी और परेशान है कि आखिरकार प्रशासन इस पर कब एक्शन लेगा। बता दें आपको, मुंबई डोंबिवली और इसके आसपास के इलाके जहाँ पर भी MIDC इलाके, वहाँ पर जो है खतरा ज़्यादा होता है, केमिकल फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें विस्फोट होता है गर्मी की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक शॉक की वजह से या किसी अन्य कारणों से, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है।